हेलो गाइज, मेरा नाम है नईम और आप देख रहे हो पैटर्न मास्टर जी। तो गाइज, आज का क्लास में हम और एक नया डिजाइन पैटर्न बनाएंगे। जो पिछले क्लास में हमने दिखाया था जो किमोनो स्लीव का ही पैटर्न का और एक तरीका दिखाएंगे। तो गाइज, थोड़ा सा ये यूनिक है पिछले क्लास से भी, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा आसान है। तो हम कैड पे काम करेंगे आज और वही इटालियन टेक्निक पे करेंगे। तो गाइज, हमारे इस चैनल पर इटालियन पैटर्न मेकिंग के साथ साथ आपको इंडियन मैनुअल पैटर्न मेकिंग, काटिंग, स्टिचिंग, फुल ड्रेपिंग का कोर्स हो रहा है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलता रहेगा, आपसे मिस ना हो जाए इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिलेगा। तो गाइज, आइए आज का क्लास शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो गाइज देखिए, ये भी है किमोनो स्लीव्स का, ये एक जो नाइट गाउन होता है तो उसी टाइप का ही है ये, ठीक है, एक बेसिक पैटर्न है। तो हम वही चीज बनाएंगे आज। ये है पैटर्न उसके जो स्केच किया है, उसके बाद फाइनल पैटर्न निकल दिया। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले हम वही बेस पैटर्न से हम शुरू करेंगे। जैसे हम हर बार बोलता हूँ, जो बेस पैटर्न ही मेन होता है। बेस पैटर्न से तरह तरह की अपने डिजाइन आप निकाल सकते हो। तो वही बेस पैटर्न से हम आज काम करेंगे। तो ये है बेस पैटर्न और ये मेरा स्केच है। अच्छा, पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं जो इस पैटर्न को बनाने के लिए जो नॉर्मल जो बेस पैटर्न है। नॉर्मल बेस पैटर्न की जो शोल्डर नेक पॉइंट है, नेक पॉइंट से आपका मान के चलो 12 सेंटीमीटर तक ये मतलब एक वर्टिकल लाइन डाल दिया गया। जो ये जो एक ग्रेडिंग होता है वो ग्रेडियंट के टाइम पे ये काम आता है, ठीक है। अभी तो हम थोड़ा बहुत ये चीज बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जो 12 सेंटीमीटर का बैक और फ्रंट दोनों में आपका एक वर्टिकल लाइन डाल दिया गया। उसके बाद देखो 6 सेंटीमीटर ये नेक पॉइंट से ऊपर एक लाइन ड्रॉ हुआ है। उसके बाद 90 डिग्री पे ये आके, फिर 90 डिग्री पे आके ये जो आर्मोल पॉइंट है, जो चेस्ट का जो चेस्ट पॉइंट है, उससे थोड़ी सी नीचे जो साइड सीम का यानी 6 सेंटीमीटर के आसपास लेकर इस चीज को थोड़ा सा राउंड शेप देकर फाइनल पैटर्न निकाल दिया गया, ठीक है। तो चलिए आज थोड़ा सा जल्दी बना ले। तो ये 12 सेंटीमीटर है स्केच है। उसके बाद मेन बेस पैटर्न है, उसी का 6 सेंटीमीटर के ऊपर लेकर इस चीज को बनाया गया है, ठीक है। जैसे नीचे 6 सेंटीमीटर जितना ऊपर उठा दिया गया उतना ही नीचे 6 सेंटीमीटर भी नीचे ही आर्मोल का नीचे एक पॉइंट लगा के फिर 90 डिग्री पे इस चीज को एक ड्रॉ किया। उसके बाद ये फाइनल पैटर्न बना दिया। देखो फाइनल पैटर्न में क्या होता है, थोड़ा सा ये कैसा आता है मैं ये बाद में बताते हैं। तो पहले जो है बेस पैटर्न ले लेते हैं, चाहे बैक या फ्रंट कोई सा भी ले लो। हम इस चीज को बैक को ही हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, समझाने में थोड़ा सा आसानी होगा। अच्छा, अब देखो हम एक ड्रॉप टूल लेकर इसको शिफ्ट प्लस एरो, उसके बाद ये 12 सेंटीमीटर तक हम ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, उसके बाद 3 सेंटीमीटर करके आपको एक जैसा है वैसी दे रहा हूँ। हालांकि हमें चाहिए नहीं अभी, लेकिन हमें 6 सेंटीमीटर दे दूँ तो चल जाता है। लेकिन जो है एज इट इज स्केच में वैसे ही हम दिखा रहे, ठीक है, आप लोगों को भी समझ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम और एक 6 सेंटीमीटर पे ग्रेड पॉइंट दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो शोल्डर को 1 सेंटीमीटर इस जगह से देखो 1 सेंटीमीटर उठा दिया गया, जैसे ये है, ओके। तो हम भी वैसे ही करेंगे, 1 सेंटीमीटर हम उठा देंगे, 1 सेंटीमीटर। अब जो करना है एक गाइडलाइन का सहारा लेंगे। अच्छा, फिर इसको हम एक कॉपी कर लेंगे और 90 डिग्री पे घुमा देंगे, फिर और एक कॉपी करेंगे इसको, फिर 90 डिग्री पे घुमा देंगे। ये मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने आप अपने हिसाब से बनाना। अच्छा, अब देखो हमें शोल्डर स्लीव्स का लेंथ पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे 58 सेंटीमीटर पे आता है आपका, जो रिस्ट तक होता है, ठीक है, ये रिस्ट तक होता है। 58.5 सेंटीमीटर में आपका फुल लेंथ आता है। तो आप चाहे कुछ भी ले लो, 50 सेंटीमीटर ले लो या फिर 45 सेंटीमीटर ले लो, आपका मेजरमेंट का आपको मेजरमेंट फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। जैसे मैंने मैंने 50 सेंटीमीटर एक कोई सा भी एक लेंथ ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे ड्रॉ। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, Ctrl Alt G। अच्छा, इसका भी एक मेजरमेंट होता है, बॉटम का जो स्लीव ओपनिंग का होता है ना, उसका भी एक मेजरमेंट होता है। लेकिन ये मेजरमेंट हमने वैसे ही रेंडमली रख दी है, उसके बाद में इसको ठीक करेंगे, सेट करेंगे। अच्छा, पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, पहले बेस पैटर्न को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को ही कॉपी कर लेंगे। अच्छा, यहीं पे हमें पॉइंट देना है, वो पॉइंट हमने लगाना भूल गया। जैसे ये 50 सेंटीमीटर पे था ना, जो शोल्डर से ये वाला पॉइंट इसमें आया नहीं। अच्छा, अब हम इस पॉइंट को इस जगह पे रखेंगे और अच्छे से इसको मिलाएंगे पॉइंट को, जी। अब देखो, अच्छा पहले इसको हटा देते हैं। हम इसी पैटर्न के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, अब देखो इतना दूर तो समझ आ गया होगा, ठीक है। ये जो ड्रॉ है, ये ड्रॉ हमने कर लिया। उसके बाद देखो, इस जगह से आपको एक, मान लो, डार्ट जैसा काट एंड स्लैश, जैसे काट एंड स्लैश होता है वैसे ही हम काट एंड स्लैश के जैसा ही हम काम करेंगे। कैसे, देखिए, हम ये जो शोल्डर है, ये शोल्डर को इस लाइन पे, आपको जो इसकी शोल्डर है ना, ये लाइन को ये बेस पैटर्न के शोल्डर के साथ मिलाना है। मिलने के बाद जितना इस जगह पे खुलेगा उतना ही आपको इस जगह पे राउंड शेप देना है। इस जगह पे देखिए, ये लाइन जो पहले है, ये वाला लाइन, उसके बाद जब इस लाइन को ये शोल्डर पॉइंट के साथ मिला दिया, उसके बाद जितना ये जो खुल गया, तो वही चीज होता है आपको इस जगह पे राउंड किमोनो स्लीव्स का पैटर्न ऐसे ही होता है, ठीक है, जो राउंड शेप आता है। क्योंकि अलग अलग डिजाइन में अलग अलग टाइप का पैटर्न होता है, मैंने इस पहले भी बताया। तो आपको उस चीज को सिर्फ ध्यान रखना है। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना है, इस पॉइंट को हम ये शोल्डर के साथ बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे, ठीक है। अब देखो, ये लाइन जो है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक हम लाइन डाल देंगे, देन इसको राउंड कर देंगे, एक रफली राउंड कर देते हैं, फिर बाद में इसको रिसेट करेंगे, ठीक है। चाहे तो अभी भी कर सकते हो, लेकिन बाद में करोगे तब भी चलेगा। अच्छा अब देखो, कुछ अनवांटेड पॉइंट्स हैं, इस चीज को हम डिलीट कर देते इस पॉइंट से। जी अब देखिए बहुत आसानी से बन गया ना। आई बात समझ में, जो काट एंड स्लैश होता है वही चीज को, यहीं पे तो काट तो हमने किए नहीं, लेकिन शोल्डर को जब हम मिलाएंगे ना, शोल्डर को शोल्डर लाइन से जब स्लीव्स का लाइन जब मिलाएंगे, मिलाने से नीचे की तरफ आर्महोल की तरफ थोड़ा सा खुलता है, तो वही होता है। मैनुअल में भी सेम वही टेक्निक पे आपको काम करना है। अच्छा अब थोड़ा बहुत कम रह गया। जैसे ये बॉटम जो स्लीव्स का जो बॉटम ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग को आपको कितना सेंटीमीटर रखना है ये आपको मेजरमेंट पे ही मिलेगा, ठीक है। अभी तो ये मान लो 16.5 सेंटीमीटर का है, तो इससे भी ज्यादा होता है, इससे भी कम होता है, तो ये आपको डिपेंड करता है आपका स्केच, ठीक है। आपको स्केच फॉलो करना है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो है आपको बेसिक नॉलेज या फिर आइडिया लगने के लिए बस इतना ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ ना आए तो प्लीज कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगे, टेक्निक को ठीक समझ आ जाए तो प्लीज एक लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नया डिजाइन का पैटर्न बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।